नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महुगांव धारनाका में रविवार को स्थानीय कन्या शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मतगणना हुई, जहां काउंटिंग के दौरान बीजेपी के वार्ड क्रमांक 8 शंकर सिरोलिया और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में 366 यानी एक समान वोट मिले, जहां दोनों के बीच टाई के माध्यम से एसडीएम अक्षत जैन ने मटके में पर्ची डालकर दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया। लेकिन वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय उम्मीदवार रहे विक्रम जैस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए पार्षद के पद पर अपना कब्जा जमाया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार चुनाव हार गया। मतगणना के दौरान बड़ा ही दिलचस्प नजारा देखने को मिला। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों की धड़कनें भी तेज दिखाई दी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार विक्रम जैस ने अपना कब्जा पर्ची में भी बरकरार रखा। वहीं बीजेपी के 10 पार्षद, कांग्रेस के 3 पार्षद और निर्दलीय 2 पार्षद जीते। इस बार भी महुगांव नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा रहा। देखिये, ये जनता का विश्वास था कि वार्ड नंबर 8 से मैं प्रत्याशी रहा, किसी भी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं था, लेकिन मैंने लोगों के विश्वास को जीता और जनता ने जो भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करी, टाई के जरिए दोनों जो हमारे मेरे प्रतिद्वंदी थे उनका और मेरा मत जितने थे वो आमने सामने थे, और विश्वास पर जब चिट्ठी के द्वारा जो हुआ है उसमें मेरा मत निकला है। आपके सामने कौन आपका प्रतिद्वंदी था और कितने कितने वोट आए थे, टाई कितने वोट? 356 वोट हम दोनों को मिले, और वोटों का आकलन रहा और उन्हें भी 366 वोट मिले, मुझे भी 366 मिले, लेकिन चिट्ठी के जरिए मेरे भविष्य का फैसला हुआ। आगे क्या मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिलेगा? देखिए, पिछले 15-20 सालों से वार्ड में, और मैं तो कहता हूँ पूरे धारना का नगर परिषद क्षेत्रों में सिर्फ लोगों को धोखा मिला है। पार्टी जितने भी हैं और जितनी भी पार्टियाँ हैं उन्होंने किसी प्रकार के कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ के जो सरताज बने फिरते हैं उन लोगों ने किसी प्रकार के काम नहीं करे, लोगों को सिर्फ धोखा दिया है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही रहेगा कि वार्ड की मूलभूत समस्याओं को सबसे पहले दूर किया जाए और लोगों को जागृत कर कि ऐसे लोगों को वोट ना दें या फिर लोगों को भविष्य में काम करने के लिए प्रेरित करें, यही मेरी ज़रा आगे समझ रही है। आपका नाम बताएं? विक्रम सिंह जयस, मैं अभी जीता हूँ, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 8। मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके ये छठी बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही हमने विकास किया है, विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का नारा है। उसके साथ हम लगातार प्रयास करेंगे कि क्षेत्र को आदर्श नगर पंचायत के रूप में बनाकर अगली बार आप देखेंगे नगर पालिका का स्वरूप हम बनाएंगे इसका। जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको अवैध करेंगे और उनके पानी की जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं नहीं है पाइपलाइन डाल के सबको एक एक बूंद पानी के लिए किसी को तरसना नहीं पड़ेगा। इस गर्मी का में ये हमारा प्रयास है कि शायद इसी वर्ष हम जगह जगह नालियां